नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज नेशन। आज ममता बनर्जी ने अवैध घुसपैठियों के लिए, बांग्लादेशियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बीएसएफ पर किया है बड़ा हमला। जी हां साहब, बड़ी खबर आ रही है कि बीएसएफ पर ममता बनर्जी ने कर दिया है बड़ा हमला। वो बीएसएफ के जवान जो अपनी जान की बाजी लगाकर बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं, अवैध घुसपैठियों से निपट रहे हैं, पाकिस्तानी आतंकवादियों से लोहा ले रहे हैं, ऐसे बीएसएफ के जवानों को, ऐसे महान जवानों पर ममता बनर्जी ने हमला बोला है। ममता बनर्जी के गुंडों ने हमला बोला है। मैं पूरी एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखाऊंगा और आपसे अनुरोध करता हूं, आज आपसे अनुरोध करता हूं कि इस खबर को आप शेयर करेंगे और ममता बनर्जी पर आप अपनी राय जरूर देंगे। आपको बता दें, अभी कुछ ही दिनों बाद बंगाल में चुनाव होने वाला है। बंगाल में जब चुनाव होता है तो टीएमसी के गुंडे, ममता बनर्जी के कार्यकर्ता और अवैध घुसपैठिए मिलकर पूरे चुनाव को हाईजैक कर लेते हैं। बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए चुनाव में तांडव करते हैं, कई लोगों को हत्याएं करते हैं, चुनाव आयोग के अधिकारियों को किडनैप करते हैं। और ये घुसपैठिए किसी और रास्ते नहीं बल्कि बांग्लादेश के रास्ते बंगाल में एंट्री करते हैं। उनको रोकने के लिए, उन पर एक्शन लेने के लिए बीएसएफ ताबड़तोड़ एक्शन लेती है और इस एक्शन में कभी कभी अवैध घुसपैठिए मारे भी जाते हैं, अवैध घुसपैठिए पकड़े भी जाते हैं। और ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि बीएसएफ अपनी ड्यूटी को जिम्मेदारी से निभाती है, अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से निभाती है। लेकिन बीएसएफ की इस ड्यूटी पर ममता बनर्जी हमलावर हो रही हैं। ममता बनर्जी ने आज जो बयान दिया है उसे देश हैरान हो गया है। ममता बनर्जी की अगर इस समय बंगाल में नहीं चल रही है तो आज वो केंद्रीय बलों पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। ये वो लोग हैं जो ना सेना का सम्मान करते हैं, ना केंद्रीय सुरक्षा बलों का सम्मान करते हैं, ना कानून सम्मान करते हैं। वो कानून के लोग, वो बीएसएफ के लोग जो अपनी जान की बाजी लगाकर आज बंगाल के खुद ममता बनर्जी की रक्षा करते हैं। अगर आज बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान ना खड़े हों, ना डटे हों, तो एक दिन में लाखों घुसपैठिए बंगाल में घुस जाएंगे। और घुसते थे, कई ऐसे रास्ते हैं जहां से घुसते थे, लेकिन अब बीएसएफ ने उन रास्तों पर भी मोर्चाबंदी कर दी है। पूरे रास्ते को बीएसएफ ने सील कर दिया है और जो भी घुसपैठिए घुसने की कोशिश करते हैं उनको पकड़ लिया जाता है या उनको बॉर्डर पर ही शूट कर दिया जाता है, क्योंकि वो घुसपैठिए आतंकवादी भी हो सकते हैं। अब ऐसे एक्शन पर ममता बनर्जी कहती हैं कि बीएसएफ के जो जवान हैं वो उनके कार्यकर्ताओं को धमकाने का काम करते हैं। उन्होंने बीएसएफ पर बड़ा आरोप लगाया है कि बीएसएफ के जवान जो हैं कार्यकर्ताओं को धमकाने का आरोप लगाते हैं, कार्यकर्ताओं पर हमले करते हैं। ये वही ममता बनर्जी हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक को झूठा करार देती हैं, एयर स्ट्राइक को फर्जी करार देती हैं। ये वही ममता बनर्जी हैं जो सेना का सम्मान नहीं करती है। भारत के 370 के धारा के 370 खात्मे पर वो कहते हैं कि ये देश में काला कानून, देश में काले कानून को लाया जा रहा है और लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है। ये वही ममता बनर्जी हैं जो CNRC पर देश का विरोध करती हैं। ये वही ममता बनर्जी हैं जो अवैध घुसपैठियों का समर्थन करती हैं। CNRC बिल लाकर अमित शाह ने, देश के गृह मंत्री ने अवैध घुसपैठियों को, पाकिस्तानियों को, अफगानिस्तानियों को और आतंकवादियों पर बड़ी चोट की है। और CNRC का सबसे बड़ी विरोधी अगर कोई इस देश में है तो वह ममता बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी का सबसे बड़ा वोट बैंक ही अवैध घुसपैठिए हैं। पश्चिम बंगाल में इस समय सबसे अधिक अवैध घुसपैठिए मौजूद हैं और ये अवैध घुसपैठिए बंगाल के नहीं हैं बल्कि पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, म्यांमार से आए हुए लोग हैं, अफगानिस्तान से आए हुए लोग हैं। और इन लोगों का आज बंगाल में राशन कार्ड बना हुआ है, वोटर ID बनी हुई है, इनको मकान मिले हैं, नौकरियाँ मिली हुई हैं और ये लोग ममता बनर्जी के लिए काम भी करते हैं। वैसे में CNRC जब से वर्चस्व में आई है, अस्तित्व में आई है, तब से देश की पुलिस, केंद्रीय एजेंसियां इस बात की खोज कर रही हैं कि कोई भी अवैध घुसपैठिया देश में मौजूद ना हो। इसलिए पश्चिम बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो चुका है। बीएसएफ ने बॉर्डर को सील कर दिया है। बीएसएफ ने बॉर्डर पर कड़ी, कह सकते हैं कि बीएसएफ ने बॉर्डर पर पूरी तरीके से, बीएसएफ ने बॉर्डर को सील कर दिया है। एक भी परिंदा पंख नहीं मार पा रहा है, एक भी अवैध घुसपैठिए अंदर नहीं आ पा रहा है। इसकी वजह से ममता बनर्जी बौखला गई हैं, पागल हो गई हैं और पागलपन में वो अनाप शनाप बके जा रही हैं, बीएसएफ पर हमले किए जा रही हैं, बीएसएफ को गलत ठहरा रही हैं।
ये भूल गई हैं कि बीएसएफ की वजह से आज बंगाल जिंदा है, ये भूल गई हैं कि बीएसएफ की ऑन ड्यूटी की वजह से आज हजारों लाखों बंगाली आज जीवित हैं, वरना ये म्यांमार से आए हुए आतंकी, बांग्लादेश से आए हुए आतंकी कब का पूरे बंगाल को तहस नहस कर देते, काट कर रख देते। आज देश में कश्मीर से ज़्यादा अगर हिंसा कहीं हो रही है तो बंगाल में हो रही है। कश्मीर में इस बार का चुनाव शांति तरीके से निपट गया, कहीं भी कोई हिंसक घटनाएं नहीं हुई, लेकिन बंगाल में जब चुनाव होता है, चाहे 2019 का चुनाव हो चाहे कोई भी चुनाव हो, बिना किसी हत्या के, बिना किसी लूटपाट के, बिना किसी गुंडागर्दी के कोई भी चुनाव संपन्न नहीं होता है। आज ममता बनर्जी का पागलपन ये बात दिखाता है कि ममता बनर्जी को देश की पुलिस पर, देश की कानून व्यवस्था पर, देश की सरसेना पर, अर्धसैनिक बलों पर भरोसा नहीं रह गया है। ये अपनी निजी राजनीति की वजह से, अपनी सत्ता की वजह से, अपनी कुर्सी की वजह से ये किसी को भी दोषी ठहरा सकती हैं, किसी पर भी बड़ा हमला कर सकती हैं। आपको याद होगा 2019 के लोकसभा के चुनाव में ममता के गुंडों ने, टीएमसी के गुंडों ने कई पुलिस वालों की, कई अर्धसैनिक बलों की, जो दिल्ली से टीमें गई थी, जो सुरक्षा बल के जवान दिल्ली से गए थे, उन सुरक्षा बल जवानों पर भी हमले हुए थे। जहां पर सुरक्षा बल के जवान ठहरे थे, जिस स्कूल में ठहरे थे, वहां पर बमबाजी हुई थी, वहां बम विस्फोट हुआ था। वो इसलिए हुआ था ताकि सुरक्षा बल के जवान, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान जो है भयभीत हो जाएं, डर जाएं, और टीएमसी के गुंडे अपनी मनमानी कर सकें। लेकिन पश्चिम बंगाल के 2019 के लोकसभा के चुनाव में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों ने, बीएसएफ ने, सीआरपीएफ ने अपनी ड्यूटी को बड़ी जिम्मेदारी से निभाया, और बंगाल चुनाव जो हिंसा जिसमें जिस चुनाव में काफ़ी हत्याएं हुई थी, काफ़ी लोग मारे गए थे, घायल हुए थे, उस चुनाव में अगर बीएसएफ के जवान ना होते, दिल्ली के सेना न भेजी जाती, तो काफ़ी और भी हत्याएँ हो सकती थी, क्योंकि बंगाल की पुलिस पूरी तरीके से ममता बनर्जी के दायरे में आती है। ममता बनर्जी जैसा कहती हैं जैसा चाहती हैं वैसा ही पश्चिम बंगाल की पुलिस करती है। लेकिन अब जो है चुनाव जो होते हैं वो सेना के अंडर में आ जाते हैं, अर्धसैनिक बलों के अंडर में आ जाते हैं, अर्धसैनिक बल जिम्मेदारी को समझ लेते हैं और चारों तरफ अपना घेरा बना लेते हैं, इसलिए टीएमसी के गुंडे, ममता बनर्जी के कार्यकर्ता अपनी मनमानी नहीं कर पाते, वो पोलिंग बूथ को नहीं लूट पाते, वो वोटरों पर दबाव नहीं बना पाते, इसलिए आज वो बीएसएफ के जवानों पर वो बड़े हमले कर रही हैं। मैं चाहता हूँ अगर आप अपनी राय दें, आपकी राय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में बंगाल चुनाव है, और बंगाल चुनाव एक नए लोकतंत्र की तस्वीर को साफ करेगा। हमने कश्मीर को सुधार दिया, हमें बंगाल को भी सुधारने की ज़रूरत है। बंगाल से ज़्यादा हिंसाएं कश्मीर में होती थी, लेकिन आज कश्मीर सही रास्ते पर आ गया है, आज कश्मीर झंडे के नीचे आ गया है, आज कश्मीर तिरंगे के नीचे आ गया है, हमको बंगाल को भी तिरंगे के नीचे लाना है। हमें बंगाल में कोई भी राजनेता हो, चाहे वो बीजेपी का हो, टीएमसी का हो, सपा का हो, कांग्रेस का हो, उसे तिरंगे का सम्मान करना होगा, उसे भारत का संविधान का सम्मान करना होगा, उसे लोकतंत्र का सम्मान करना होगा, उसे भारत की गरिमा को समझना होगा, वरना ये देश की जनता ऐसे राजनेताओं को छोड़ेगी नहीं, माफ़ नहीं करेगी। इसलिए आने वाले बंगाल चुनाव में हमारा आपका फ़र्ज़ बनता है, हमें ऐसी सरकार चुने जो देश के लोकतंत्र को बहाल करे, तिरंगे का सम्मान करे, देश के विकास में अपना सहयोग करे, और अवैध घुसपैठियों को बाहर करने में देश की मदद करे। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद,
रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।